देवेंद्र सिंह डीएसपी जो उस समय डिप्टी एसपी डीआर पुलवामा में थे, पुलवामा के हमले जहां 42 जवानों की जान गई, उनसे क्या कनेक्शन है? ये देश के गृह मंत्री को स्वयं इस पूरे मामले की तहकीकात करके देश को वक्तव्य देना चाहिए। आई चैलेंज द कांग्रेस पार्टी और आई चैलेंज द कांग्रेस प्रेसिडेंट टुडे। आप अगर मानते हैं कि पुलवामा के हमले में पाकिस्तान का हाथ नहीं था, पाकिस्तान ने पुलवामा का हमला नहीं कराया, तो किसने कराया? आप आके कैमरे पे बोलिए। आदाब, मैं हूं फरहाद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम जांच पड़ताल। देश को हिलाकर रख देने वाले पुलवामा हमले की याद फिर ताजा हो गई है। पुलवामा हमला पाकिस्तान ने कराया या किसी और ने, इस पर फिर बहस होने लगी है। पार्लियामेंट पर हमला करने वाले अफजल गुरु को इस खबर से क्यों जोड़ा जा रहा है और आखिर इतने बड़े और संगीन सवाल क्यों उठ रहे हैं, जानते हैं जांच पड़ताल के इस एपिसोड में। जम्मू कश्मीर में पुलिस ने दो आतंकियों के साथ एक पुलिस अहलकार डीएसपी देवेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया, जिसके बाद कई बड़े और संगीन सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या डीएसपी आतंकियों के साथ कोई बड़ा हमला करने की फिराक में था? क्या भारतीय पार्लियामेंट पर होने वाले हमले में भी देवेंद्र सिंह का कोई रोल था? और पुलवामा हमले में भी डबल एजेंट करार दिए जा रहे डीएसपी देवेंद्र सिंह ने कोई रोल अदा किया था? पार्लियामेंट पर हमले के मुजरिम बनाए गए अफजल गुरु का देवेंद्र सिंह से क्या ताल्लुक था, ऐसा क्या कनेक्शन था? ऐसे ही सवालों को जन्म देती है देवेंद्र सिंह की आतंकियों के साथ गिरफ्तारी। जब आप देखते हैं कि किसी गाड़ी में मुजरिमों के साथ पुलिस है, तो आप समझ सकते हैं कि उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया होगा और उन्हें कहीं ले जा रही होगी। लेकिन जब आप आतंकियों के साथ एक बड़ी रैंक के पुलिस अफसर को देख लेते हैं, तब आपके दिमाग में कैसे कैसे सवाल जन्म लेंगे। ऐसा ही कुछ हुआ जम्मू कश्मीर के कुलगाम में। हफ्ता 11 जनवरी 2020, डीएसपी देवेंद्र सिंह जम्मू जाते हुए काजी गुंड के मुकाम पर हिजबुल मुजाहिदीन के आला कमांडर सैयद नवीद, उसके साथ ही आसिफ राथर और एक वकील इरफान अहमद के हमरा गिरफ्तार किया गया। एसपी शोपियन को एक एसएसवी किंट मिला था कि दो मिलिटेंट एक आईटेन व्हीकल में शोपियन से निकली है और त्वार नेशनल हाईवे जम्मू जाना चाह रहा है। क्योंकि गाड़ी फास्ट चल रही थी, तो एसपी शोपियन ने मुझे इतला किया, इन्फॉर्म किया। मैंने डीआईजी साउथ कश्मीर को आदेश दिया कि अपने एरिया में नाका लगाए। उन्होंने नाका लगाया और गाड़ी सर्च करने के बाद देखा कि उसमें दो वांटेड मिलिटेंट थे, उनके साथ हमारे पुलिस के एक डीएसपी पाए गए, एक और रेसिडेंट थे जो कि एडवोकेट है और हमारे लिस्ट में ओजीडब्ल्यू भी है, उसको प्यार से रखते हैं। अवस्था सर की पहचान बताएं कि जिनका पहचान जो ऑफिसर पकड़े गए, उनका नाम टेफा में ऑलरेडी है, देवेंद्र सिंह नाम उनका है। इरफान के बारे में पुलिस का कहना है कि वो अस्करियत पसंदों को सरहदें पार कराने में मदद करता रहा है। नवीद के बारे में पुलिस का कहना है कि उसने गुज़िश्ता बरस अक्टूबर में मगरबी बंगाल, बिहार और दूसरी रियासतों से आए 11 मजदूर और ट्रक ड्राइवरों को कत्ल किया था। वहीं एक और आतंकी बताए जा रहे नवीद पर भी कई केसेस दर्ज है। नवीद भी दरअसल पुलिस कांस्टेबल था जो 2 साल कबल बडगाम की एक पोस्ट से 5 बंदूकों समेत रोपोश होकर हिजबुल मुजाहिदीन में शामिल हो गया था। गाड़ी से 5 हैंड ग्रेनेड या हथगोले भी बरामद हुए और बाद में श्रीनगर में देवेंद्र की रिहायशगाह से 2 AK-47 बंदूकें भी बरामद की गई। इसी कड़ी में 15 जनवरी को देवेंद्र सिंह के रिश्तेदारों के घरों पर भी छापे मारे गए। इस कार्रवाई के दौरान फौज की 15 कोर का पूरा नक्शा यानी मैप, 7.5 लाख रुपए और बड़ी तादाद में हथियार बरामद किए गए। ऐसे में पुलिस का बयान कई तरह के सवालों को जन्म देता है। पुलिस का इसरार है कि देवेंद्र सिंह उन मोस्ट वांटेड अस्करियत पसंदों को महज दिल्ली में महफूज बनाकर देना चाहता था।
लेकिन गाड़ी से ग्रेनेड्स की बरामदगी ने कई सवालात को जन्म दिया है। दिल्ली में इन आतंकियों को पनाह देना, वो भी ऐसे वक्त जब भारत अपना रिपब्लिक डे 26 जनवरी को मनाने जा रहा है। कौन है देवेंद्र सिंह? देवेंद्र सिंह को करीब से जानने वाले बास पुलिस अफसरों ने बताया कि वो श्रीनगर के अमर सिंह कॉलेज से ग्रेजुएशन के बाद 1990 यानी 1990 में पुलिस में सब इंस्पेक्टर के तौर पर भर्ती हुए। ताहम उस वक्त कश्मीर में मुसल्लह तहरीक जारी थी और पुलिस ने इसे दबाने के लिए स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप या SOG तश्कील दिया था, इसलिए देवेंद्र सिंह इसमें शामिल किया गया। देवेंद्र सिंह स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप में काफी सरगर्म रहे और एक साल के अंदर अंदर उन्हें कबल अज वक्त तरक्की देकर इंस्पेक्टर बना दिया गया। देवेंद्र सिंह का अफजल गुरु से कनेक्शन। ये वही दौर था जब देवेंद्र की मुलाकात अफजल गुरु के साथ हुई। अफजल गुरु को जैश के अस्करियत पसंद के तौर पर गिरफ्तार किया गया था और उन्होंने रिहाई के बाद दवाइयों का बिजनेस शुरू करके किसी भी तरह की वायलेंस की सरगर्मियों को छोड़ देने की जमानत दी थी। लेकिन ऐसे में अफजल गुरु से जुड़ा एक लेटर अफजल की फांसी के फौरन बाद मंजरेआम पर आया। इस लेटर में अफजल ने तफसील से लिखा था कि देवेंद्र ने ही उन्हें मजबूर किया था कि वो एक आतंकी को दिल्ली पहुंचाए, वहां उसके ठहरने का इंतजाम करके एक गाड़ी भी खरीदे। इस लेटर के मतन यानी कंटेंट के कोई सरकारी तफ्तीश नहीं हुई है। खत में अफजल ने लिखा था कि देवेंद्र मुझे हरास करते वक्त कहता है कि मेरा छोटा सा काम कर दो तो फिर मैं तुम्हें तंग नहीं करूंगा। क्या सच निकला अफजल गुरु का खुलासा? आतंकियों के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार देवेंद्र सिंह को लेकर अब ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या पार्लियामेंट हमले में मुजरिम ठहराए गए अफजल गुरु ने अदालत में देवेंद्र सिंह के बारे में जो कुछ कहा था क्या वो सच था? क्या पार्लियामेंट पर हमले के लिए जैश के एक पाकिस्तानी आतंकी को श्रीनगर से दिल्ली देवेंद्र ने ही भेजा था? क्या देवेंद्र जम्मू और कश्मीर के साथ साथ आतंकवादियों या फिर खुफिया एजेंसियों के लिए भी काम करता है? देवेंद्र के बारे में पुलिस ऑफिसर्स की राय। BBC लंदन की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस के बाद आला अफसर तस्लीम करते हैं कि देवेंद्र सिंह का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए अफजल से जुड़े लेटर में किए गए दावे की बाकायदा तहकीकात होनी चाहिए थी। पुलिस जराये ने BBC को बताया कि देवेंद्र सिंह के खिलाफ गिरफ्तार शुदा लोगों के वालिदैन से पैसा वसूल करने, मंशियात की स्मगलिंग, इमारती लकड़ी की चोरी और हथियारों की स्मगलिंग की शिकायत थी, लेकिन हुक्काम अक्सर उन चीजों को नजरअंदाज कर देते थे। BBC लंदन की रिपोर्ट में दावा करते हुए कहा गया है कि अपने 30 साल पेशावराना जिंदगी में देवेंद्र सिंह पर कई इल्जाम लगे, लेकिन भारतीय पार्लियामेंट पर हमले की मंसूबा साजी में फांसी पाने वाले अफजल गुरु के साथ उनका ताल्लुक बड़े सवालात को जन्म दे रहा है। इसकी बड़ी वजह यह है कि पार्लियामेंट पर हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के दरमियान फौजी कशीदगी बढ़ गई थी और सरहदों पर फौजकुशी के बाद जब भारत ने फौजें वापस बुला ली तो सैकड़ों फौजी बारूदी सुरंगों का शिकार होकर मारे गए थे। अब ऐसा ही एक और संगीन सवाल उठ रहा है पुलवामा हमले को लेकर। जम्मू कश्मीर के कुलगाम से गिरफ्तार DSP देवेंद्र सिंह के आतंकियों के साथ कनेक्शन की खबर मोदी सरकार के लिए नया दर्द सर साबित होता नजर आ रहा है। अहम अपोजिशन पार्टियों के कई लीडरों ने नेशनल सिक्योरिटी को लेकर मोदी सरकार से सीधे सवाल किए हैं और अजीत डोभाल पर भी निशाना साधा है। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि जम्मू कश्मीर जैसे सेंसिटिव स्टेट में देवेंद्र सिंह आतंकियों की मदद करता रहा और खुफिया एजेंसियों को कानो कान खबर नहीं लगी। इस बीच देवेंद्र सिंह का पुलवामा कनेक्शन भी सामने आ रहा है। कांग्रेस स्पोक पर्सन रणदीप सिंह सुरजेवाला ने देवेंद्र सिंह की गिरफ्तारी के बाद एक ट्वीट में कहा कि देवेंद्र सिंह कौन है, 2001 के पार्लियामेंट हमले में उसका क्या रोल था, पुलवामा हमले में उसका क्या रोल था जहां वो DSP था। उन्होंने सवाल किया कि क्या देवेंद्र सिंह आतंकियों को खुद लेकर जा रहा था या सिर्फ वो एक प्यादा यानी मोहरा है जबकि असल साजिशी कहीं और है, क्या ये एक बड़ी साजिश है। कांग्रेस लीडर रणदीप सिंह ने साफ तौर पर कहा कि धर्म और जात का ये मामला नहीं है, सवाल ये है कि देवेंद्र सिंह कौन है। जब पुलवामा हमला हुआ हमारे जवान शहीद हो गए, RDF इतनी बड़ी क्वांटिटी में
आया कैसे, कहां से आया, ये सवाल हमने कई बार पूछा। देवेंद्र सिंह के तार कहां से जुड़े हैं, पूरी कहानी ही शक पैदा करती है। इसकी जांच होनी चाहिए, पूरे मामले की अच्छे से जांच होनी चाहिए। सुरजेवाला ने यह भी कहा कि क्या देवेंद्र आतंकियों को निकालने की कोशिश कर रहा था या वो सिर्फ एक मोहरा है और असली खिलाड़ी कहीं और छुपे हुए हैं, क्या ये बड़ी साजिश है। वहीं राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत चौधरी ने कहा है कि एक पुलिस अफसर जिसने कुछ दिनों पहले ही फॉरेन डेलीगेट को जम्मू कश्मीर का दौरा करवाया जब पुलवामा में जवानों पर कार से हमला किया गया, तब भी वो वहां पर मौजूद था। कार सिक्योरिटी चेक से आसानी से पार हो जाती है और भारतीय जवानों पर हमला कर देती है। डोभाल साहब, क्या हो रहा है? देवेंद्र सिंह को बर्खास्त तो किया जा चुका है, लेकिन उनकी जानिब से किए गए न जाने और ऐसे कितने शर्मनाक काम होंगे जिसका नुकसान मुल्क ने भुगता होगा और हो सकता है आगे भी इसके बुरे नतीजे देखने को मिले। पार्लियामेंट पर हमले के ताल्लुक से ही ये बात सामने आई है कि जिस अस्करियत पसंद को देवेंद्र सिंह ने अफजल गुरु को हिदायत देते हुए दिल्ली में ठिकाना और गाड़ी फराहम करने के लिए दबाव डाला था, वही अस्करियत पसंद पार्लियामेंट पर हुए हमले में शामिल था। ये बात काफी चौंकाने वाली है। इसी तरह हमारे मुल्क भारत के वीर जवानों पर हुए सबसे बड़े हमले पुलवामा अटैक को लेकर भी कई सवाल जन्म ले रहे हैं और पता नहीं आगे चलकर इस तरह के सनसनीखेज खुलासे शायद हमें देखने को मिल सकते हैं। बहरहाल जांच पड़ताल के प्रोग्राम में आज बस इतना ही। YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिलहाल आपके होस्ट खलील फरहाद को दें इजाजत और देखते रहिए BBN चैनल।